बजट पास हुआ, उसके बाद जो फाइनेंस बिल पास हुए उसमें एक बिल पास हुआ था जिसमें फौजी फाउंडेशन को उन्होंने एग्जेम्पशंस दी थी इनकम टैक्स से। और ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, मुख्तलिफ ग्रो हैं जिनकी ये ताकत होती है कि वो अपने लिए कोई ना कोई एग्जेम्पशन ले लेते हैं। अंग्रेज़ी में एक इस्तेमाल इस्तेमाल की जाती है, उसको कहते हैं लॉबिंग। तो ये लॉबिंग के ज़रिए होता है। Started as a trust. How did it become a conglomerate? It's about the opportunities and getting those opportunities and the context of the economy. आपको वो इक्तिसादी पस मंजर देखना होगा कि जिसमें ऐसे मौके आए कि जिनकी वजह से वो ऐसे मौके थे कि जिनसे फ़ायदा उठाने का एक चांस बनता था। मिसाल मैं आपको एक दूंगा कि फर्टिलाइज़र। अब फौजी फर्टिलाइज़र जो है दैट केम इन टू बींग इन 1974। जो आइडिया था USAID ने इस आइडिया को पुश किया था कि जी एक फर्टिलाइज़र कंपनी होनी चाहिए जो कि फर्टिलाइज़र की पैदावार को बढ़ाए। वजह उसकी क्या थी? अब उसका पस मंज़र ये था कि पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र की शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा हो रही थी और उसकी वजह से जो पैदावार थी मुख्तलिफ अजनास की वो काफ़ी मुतासर हो रही थी। तो USAID केम अप विद दिस आइडिया कि जी देर शुड बी लार्ज फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन प्लांट and does the 4G fertilizer came into being. So what they were basically doing is इस तरह के ट्रस्ट में जो होता है they pool their resources. वो अपने जितने भी resources होते हैं investment के लिए pool करते हैं, ऐसे मौके देखते हैं कि जो कि फ़ायदा जिनसे फ़ायदे का चांस है। सो दैट्स हाउ दे स्टार्ट अ न्यू कंपनी विद इन द conglomerate. ट्रस्ट की एक तारीख है और ये तारीख जाती है बरतानवी राज तक। ब्रिटिश एरा में ये ट्रस्ट कायम किए गए थे फॉर वेरियस रीजंस। मिसाल के तौर पे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इट वाज अ ट्रस्ट शुरू में। ये बाद में 1974 या 1976 में डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी। दे वर फाउंड फॉर रीज़न। अब मिसाल के तौर पे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पे एक ट्रस्ट था वो इसलिए बना कि लाहौर के इर्द गिर्द या लाहौर के अंदर जो जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, लैंड डेवलपमेंट या फिर रिहाइश वगैरह के मसाइल, उनके हल के लिए लोगों को, सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना और ब्रिंगिंग देम टुगेदर, उनको सबको साथ लाना ताकि वो मसाइल के हल में सब एक साथ हो। इससे पहले भी मिलिट्री से रिलेटेड ट्रस्ट बरतानवी दौर में भी थे जो कि उन फौजियों को जो कि रिटायर हो जाते थे सर्विंग द ब्रिटिश आर्मी या सर्विंग इन डिफरेंट थिएटर्स फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो उनके देखभाल के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए, जिसे हम वेलफेयर कहते हैं, उस वक्त भी थे। तो ये पाकिस्तान के बाद भी चलते रहे। ट्रस्ट जो होता है वो एक छोटे लेवल का इदारा होता है। वो आप इसको ये कह लें कि उसमें मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से लोग जो होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, दे कम टुगेदर, एक ट्रस्ट में आते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस। पहले ट्रस्ट होते थे जो कि ज़मीनों की देखभाल उसके लिए कायम किए गए थे ताकि उनको डेवलप किया जा सके, उनको अच्छा किया जा सके फलाह बहबूद के, और उसमें जिन जो लोग उस ज़मीन को ओन करते थे उनकी फलाह बहबूद ज़्यादा हो सके। कॉन्ग्लोमरेट में किस तरह बदलते हैं कि उनके जो रिसोर्सेज होते हैं, मॉनेटरी रिसोर्सेज, उनके पास जो पैसा होता है, उनके पास जो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पूल टुगेदर की होती है, वो एक मौका देखते हैं, वो एक कोई देखते हैं, पस मंज़र देखते हैं कि इक्तिसादी हालात जैसे हैं उसमें क्या कोई ऐसा मौका है कि जिसमें मुनाफा बनाया जा सके। जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी होती है, जहाँ पे डिमांड होती है किसी चीज़ की, दे इन्वेस्ट इन इट। सो वो इन्वेस्टमेंट करके व्हाट दे डू इज़, जो हम एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं डाइवर्सिफाइंग, कि वो सिर्फ एक चीज़ से निकल के फिर दूसरी चीज़ से निकल के तीसरी चीज़ से निकल के चौथी से। सो दैट इज़ हाउ दे ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मेयरली अ ट्रस्ट टू अ कंग्लोमरेट। आज तक कोई ऐसा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पाकिस्तान में एटलीस्ट हुआ नहीं है जो कि इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सके कि किसी कंग्लोमरेट की वजह से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आता है। मिसाल के तौर पे कंग्लोमरेट है, उसने बहुत सी जगहों पे इन्वेस्टमेंट की होगी, फैक्ट्रियाँ बनाई होंगी, उससे नौकरियाँ पैदा हुई होंगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी होगी, उन्होंने सरमायाकारी की है,
उस एक एक ख़ास इलाके में जहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री बनाई हुई है वहाँ पे क्या असरात पड़ते हैं उन लोगों की ज़िंदगी पे, लेकिन उसकी वजह से आबो हवा जो है और वहाँ के जो कुदरती वसाइल है उन पे क्या असर पड़ा है, एनवायरमेंटल जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। आप किसी भी कॉरपोरेट इदारे पे टैक्स लगाते हैं, उनकी जो आमदन होती है उस पर उनको एक ख़ास परसेंटेज पे ख़ास उस पर टैक्स देना पड़ता है इतना। अब ये हो सकता है और जो कि पाकिस्तान की तारीख में हुआ भी है, कई बार हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है कि कोई एक ताकतवर ग्रो जो है, बेशक वो कॉन्ग्लोमरेट हो, बेशक वो कोई और बिजनेस का ग्रो हो, मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल, तो उन्होंने हुकूमत से कोई ना कोई फेवर ले लिया है और सबसे बड़ी फेवर होती है वो होती है सब्सिडी। सब्सिडी को आप नेगेटिव टैक्सेशन भी कह सकते हैं, मिसाल मतलब ये है कि बजाय किसी को टैक्स करने के आप उसको जो लोगों का टैक्स पेयर मनी है, लोगों का पैसा है टैक्स का, वो उसको दे रहे हैं, ये सब्सिडी होती है। तो पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, उसमें कॉन्ग्लोमरेट्स भी हैं और इस बार भी जो मिसाल के तौर पे बजट पास हुआ उसके बाद जो फाइनेंस बिल पास हुए उसमें एक बिल पास हुआ था जिसमें फौजी फाउंडेशन को उन्होंने एग्जेम्पशंस दी थी इनकम टैक्स से। और ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, मुख्तलिफ ग्रो हैं जिनकी ये ताकत होती है कि वो अपने लिए कोई ना कोई एग्जेम्पशन ले लेते हैं। अंग्रेज़ी में एक इस्तेमाल इस्तेमाल की जाती है, उसको कहते हैं लॉबिंग, तो ये लॉबिंग के ज़रिए होता है। कोई भी कॉन्ग्लोमरेट और जो उसका मद मुकाबिल होता है, उसका जो डायरेक्ट कंपेटिटर होता है, ये भी देखने में आया कि वो लोग आपस में इकट्ठ कर लेते हैं, दे कम टुगेदर, और उनका कोई मिसाल के तौर पे मर्जर हो जाता है। तो जब उनका इकट्ठ हो जाता है, मर्जर जिसे हम कहते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो इक्तिसादी फुटप्रिंट है, उनका असर जो होता है इक्तिसादी हालत पे, वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए पाकिस्तान और दुनिया भर में, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में इदारा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इस चीज़ को देखता है कि कोई भी इदारा, कोई कॉन्ग्लोमरेट हो, कोई एक ग्रुप हो, वो उसका किसी भी मार्केट का उसका कितना हिस्सा है। एक रफ फिगर ये है कि अगर 25% से बढ़ जाए तो उसमें फिर जो पूरी दुनिया में कंपटीशन कमीशन्स होते हैं वो, या फिर एंटी मोनोपोली उसे भी कहते हैं, एंटी मोनोपोली कमीशन्स भी कहते हैं, तो फिर वो हरकत में आते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, चूँकि ये बहुत बड़े हो गए हैं इसलिए ये कीमत को डिक्टेट कर सकते हैं या फिर मार्केट को डिक्टेट कर सकते हैं, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन दिया जाता है उसका साइज़ कम करने के लिए।